चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग डायग्राम पुली पी वन इज मूवेबल एंड पुली पी टू इज फिक्स, द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी कितना होगा। इसमें देखो ये वेट लग रहा नीचे, इधर भी डब्ल्यू सेम है दोनों का, तो इसमें थ्रेड में टेंशन टी होगा, इसमें थ्रेड में टेंशन टी होगा, क्योंकि एक ही थ्रेड है तो थ्रू आउट ये पूरा टेंशन टी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी टेंशन टी, डब्ल्यू नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर है, तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया अगर ये रेस्ट पे है तो, अगर ये रुका हुआ है पूरा सिस्टम रुका हुआ है तो। और यहां पर जो टी है ये एंगल थीटा है, अगर मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। तो इधर इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे टी, अगर ये थीटा है तो टी कॉस थीटा इधर होगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा टी साइन थीटा, ये वाला इधर भी टी इधर लगेगा तो थीटा ये एंगल हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा हो गया, ऊपर टी साइन थीटा। तो टी कॉस टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा वेट को बैलेंस कर रहा है, ये जो वेट है इसको बैलेंस कर रहा है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, और टी की वैल्यू डब्ल्यू के इक्वल है, तो यहां पर आप लिख सकते हो 2t sin थीटा, और t को w के इक्वल लिख दें तो आप इसको लिख सकते हो w इज इक्वल टू 2w sin थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टू ये आएगा, और 1 बाई टू किसकी वैल्यू होती है sin में, sin 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।